सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है राजमी नेगी और आपका स्वागत करता हूँ मैं देवभूमि के खूबसूरत नज़ारों से। तो आज का ब्लॉग सुबह 7:30 बजे शूट हो रहा है और अभी तक मेरा ब्लॉग अपलोड हो भी गया होगा। तो फिलहाल अभी मेरी तैयारी है, मुझे जाना बैंड पर क्योंकि बुड्ढी ने कुछ मठा या दूध भेजा है, तो इसलिए जा रहा हूँ मैं वहाँ पर लेने। और फिलहाल चलते हैं अभी बैंड पर, अभी यहाँ से काफ़ी दूर है और बुड्ढी पहुँच चुकी है धोतरी में। तो फिलहाल वहाँ से मुझे मठा और दूध लेना है, फिर आना है मुझे घर। तो अभी जस्ट मैं सोने से उठा था और मम्मी ने बोला कि दूध लेने जाना है तेरे को, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ अभी। तो फिलहाल चलते हैं अभी दूध लेने। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं बैंड पर। तो फिलहाल अभी यहाँ पर कोई तो अभी शायद से मैक्स आ गई है, तो फिलहाल चलते हैं नीचे पर और सामान लेते हैं। तो दोस्तों पहुंच चुका था मैं बैंड पे और मेरे पे मिल चुका है एक कट्टा सामान, बुड्ढी लाया था एक कट्टा सामान। तो फिलहाल इस कट्टे को पहुंचाते घर पे, तो उससे पहले मैं ब्लॉग बना नहीं सकता क्योंकि कट्टा मुझे रखना है कंधे के ऊपर फिर ले जाना है। तो पहले कट्टा पहुंचाते घर पे, फिर घर से ब्लॉगिंग करेंगे, पहले कट्टा ले जाते हैं। और क्योंकि कट्टा बहुत बड़ा है तो इसलिए एक हाथ से ब्लॉगिंग एक हाथ से कट्टा नहीं हो पाएगा। तो पहले चलते हैं अभी घर की ओर। आगे टाइम आ गया था मैं घर वहाँ से कट्टा लेके। तो फिलहाल अभी मेरी तैयारी है, गांव में चौनियाट गांव में थोले हैं तो इसलिए वहाँ पे देवता दुपता आते हैं। फिर मैंने सोचा कि वीडियो बनाने चलते हैं क्योंकि घर में बोरिंग हो रहे हैं, मतलब बोरिंग सा माहौल है और फिर ब्लॉग बनाना है तो जाना तो पड़ेगा। तो इसलिए जा रहा हूँ मैं चौनियाट गाँव एकदम फुल पावर रेडी होकर। तो अभी जा रहा हूँ ऊपर अपने दोस्त के घर, तो अपने दोस्त से मिलाएंगे, तो चलते हैं अभी। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ मैं चुनाट गांव में और मेरा दोस्त ही पहुंच चुका है संदीप चुनाट गांव में। तो अभी वहाँ पे थोड़े स्टार्ट ही हुए हैं, मतलब अभी कोई यहाँ पे नाच नहीं रहा है, जितम देवते जिन पे देवता आते हैं तो वहाँ पे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे बैठ रखे हैं, तो थोड़ी देर में चलते ऊपर पे। यहाँ पे मैंने खाना खा लिया फिलहाल यहाँ पे, तो अब फिर से यहाँ पे थोले स्टार्ट होने वाले हैं। तो बारिश होने लग गई है, तो चलते जहाँ पे थोले होंगे। तो दोस्तों ओले पड़ना भी स्टार्ट हो चुके हैं और मतलब बोल नहीं सकते कुछ, इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे। तो अभी हम ऊपर आर के और नीचे देता है आ रहे हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे संदीप और मैं यहाँ पे, तो आपको भी दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो नीचे चलते फिलहाल अभी।
चुके हैं और अभी जा रहे हैं घर के, और मतलब आज बहुत ज्यादा रेड मर चुके हैं और भीग भी चुके हैं, मतलब पर मजा बहुत आई है। तो फिलहाल भी ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं घर के और अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो बर्फ पड़ सकते हैं ऐसे ही बोल सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं घर के और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मतलब यार हालत खराब हो गई है। अब देखते हैं जुकाम तो बारिश लग रही है, बुखार आते कि क्या आते हैं देखते हैं घर चल के। तो दोस्तों अभी हम जैसे मतलब आ रहे थे रोड से, तो वहां पर हमें एक गड्ढा दिखाया, जैसे चिन्याली सौड़ के पहले जोशी मठ, फिर चिन्याली सौड़ और अब हमारा गांव सौड़। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा खड्डा हो रखा है, हम आपको अंदर ले जाते हैं फोन देखते, तो देख सकते हो आप अंदर कितना बड़ा खड्डा हो रखा है दूर दूर तक, और इधर भी हो रखा है खड्डा, मतलब कुछ बोल नहीं सकते इतना बड़ा खड्डा हो रखा है। और यहाँ पर रोड इधर उधर दस्ती जा रही है इधर नीचे की तरफ, और जो ऊपर है वो तो हाई पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ये नीचे दिख रहा है आपको, ये थोड़ा ऊपर दिख रहा है। तो मतलब यार यहाँ भी जोशीमठ की तरह होगी, पहले जोशीमठ उसके बाद चिन्याली सौड़ उसके बाद हमारा गांव सौड़, मतलब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इस दुनिया में। और जुकाम भी लग चुका है और बारिश भी हो रही है, एकदम अलग ही मजा मतलब गांव में। तो फिलहाल चलते हैं गांव गांव की और नहीं घर की, और काफी बारिश हो रही है, भाग भाग के जाना पड़ेगा, तो ठंड भी लग रही है काफी काफी ज्यादा। तो चलते हैं घर की और।